हेलो गाइस, दिस इज अवसम एनी वॉचिंग सो राइडर। सो गाइस, आज की वीडियो कोई भी बाइक के स्पेसिफिकेशन या बाइक ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कोई नहीं होने वाली है। आज मैं काफ़ी अपसेट हूँ और अपसेट होने का रीज़न भी आप वीडियो के टाइटल में देख के समझ गए होंगे। सो मैं अभी स्टडी कर रहा था, शांत बैठा हुआ हूँ। आज ही मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगा। सबसे पहले बता दूँ, जस्ट इस वीडियो को मैं अभी बनाकर एडिट करूँगा और आप जस्ट इसको पोस्ट कर दूंगा। सो गाइस, मैं आराम से बैठा हुआ था, देन आई वॉज चेकिंग माई इंस्टाग्राम। सो मेरे एक फ्रेंड है शुभम जिंदल, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट की। वो वीडियो भी मैं अभी आगे दिखा दूंगा आपको। तो हुआ क्या दोस्तों, कोई बंदा कार लेके जा रहा था मेरे घर के नियर बाय, जस्ट मेरे घर के ही नियर बाय, और उस बंदे ने उस कुत्ते के ऊपर, बेचारे के ऊपर अपनी कार चढ़ा दी और उसके दोनों पैर पीछे के तोड़ दिए। चलो कोई बात नहीं यार, एक्सीडेंट है भाई, हो जाता, कोई इशू नहीं है। बट यार, बंदा उसको छोड़कर ऐसे भाग गया। अरे यार कोई बात नहीं, कोई तुझे मार थोड़ा रहा यार। जो भी वो बंदा अगर वीडियो देख रहा है भाई, अगर तुम मेरे नियर बाय के होगे तो तुम्हारे तक ये वीडियो ज़रूर पहुंच जाएगी। भाई कम से कम 2 मिनट रुक जाओ, उसको ले के चले जाओ। अरे कम से कम पैसे किसको दे जाओ, ट्रीटमेंट करा जाओ उसका। यार तुम उसको मरने के लिए छोड़ गए हो, अगर वही इंसान होता तो तुम्हें पब्लिक घेर लेती और पकड़ के मारती पक्का। तो यार जानवर मीन्स वॉट, आप ये सोचते जानवर है, लात मार दो उसको, मतलब जैसे मर्जी मार दो, उसको कोई पेन नहीं होता। अरे भाई एनिमल है यार, हम भी एनिमल ही हैं, वी आर ऑल्सो ब्रीड ऑफ एनिमल, उनको भी सेम पेन होता है यार। हम तो क्या करेंगे यार, कोई अगर रास्ते में गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया इंसान के साथ, तो करोड़ों बंदे इंसानियत दिखाने आते हैं। उसमें भी आधे वीडियो बना रहे होते हैं क्योंकि उनको एक्सीडेंट की वीडियो पोस्ट करनी है, और आधे बंदे होते हैं कि भाई देख के ठीक है, इग्नोर मार के निकल गए। कुछ भाई होते हैं जो देखते हैं उनको और ले जाते हैं हॉस्पिटल, तो यार उनको तो ट्रीटमेंट हो जाता है। पर यार एनिमलों के लिए बहुत प्रॉब्लम है, इतनी फाउंडेशन इंडिया में है बट वही बेकार है। तो मैं गया उस डॉग के पास, तो मैंने देखा कि वो काफ़ी पेन में था। 1 घंटा 1.5 घंटा अभी मैं वहीं से होकर आ रहा हूँ, 1.5-2 घंटे मैं उसके पास खड़ा रहा, कुछ खाने को दिया, बट वो खाने को तैयार नहीं था क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वो इतना पेन में था कि लिटरली उसके आँख से भी कुछ फ्लूड बह रहा था, दोनों आँखों से। अब आई डोंट नो वो रो रहा था या क्या रीज़न था। तो इतना दुख हुआ मुझे देख के यार कि उसको बंदा छोड़ दिया, किसी ने इतने पर्सन उसके नियर बाय जा, मतलब पास कर रहे हैं, बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं यार। अरे सोचो यार, अगर कल को तुम कहीं गिरे मरे पड़े और कोई ऐसा छोड़ जाए और तुम्हें देखते हुए निकल जाए, कितना दुख होगा तुम्हें यार। पर वो तो इंसान नहीं है, वो तो जानवर है, उसको मरने दो। तो अभी क्या हुआ, फिर मैं गया वहाँ पे, तो 1-1.5 घंटा मैंने इतनी फाउंडेशन को कॉल लगाया यार, सब पे थू है यार। जितनी फाउंडेशन दिल्ली की देख रही है ना वीडियो यार, तुम लोगों पे थू है यार। सिर्फ पैसों के लिए तुम अपनी फाउंडेशन चला रहे हो यार, आने को कोई बंदा तैयार नहीं है। कोई कह रहा है सर आप ले आओ, ये करो वो करो, अरे किस बात की फाउंडेशन है यार। कुछ कह रहे सर हम पे हम हमें इतने पैसे लगेंगे, वो लगेंगे, अरे पहले लेने तो आ जाओ, पहले पैसे की बात करने लग जाओ। किस बात का फिर एनिमल एड हो गया यार तुम्हारा, अगर तुम पैसे मांग रहे हो फिर हॉस्पिटल में ना दिखा दूँ उनको हम। वो तो शुक्र है एक भैया का, वो भी एक भैया है जो आगे वाली वीडियो में भी दिखाऊंगा मैं, उनको नाम भी उसको डिस्क्लोज कर दूंगा भैया का। उन्होंने 2-2.5 घंटे अच्छे से पता किया, बातें की, कई जगह फ़ोन घुमाए, तब जाके एट लास्ट किसी ने नंबर दिया कि भाई इनको कर लो, ये अच्छा फाउंडेशन है। और वो फाउंडेशन की जो लेडी है वो फरीदाबाद से चलाती है, आई डोंट नो वो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, शायद वीडियो में भी अभी वो कार आएगी आगे, तो उसमें भी उनका फाउंडेशन का नाम लिखा हुआ है। थैंक यू सो मच, उन्होंने इंस्टेंटली अपनी कार भेजी है, वो आधे घंटे के अंदर बंदा आ गया और उनको ले गया है, वो भी मैं आगे वीडियो में दिखा दूंगा। सो प्लीज़ यार, जानवर मीन्स वॉट, आप उनको मार नहीं सकते ऐसे यार। मतलब चलते फिरते मार देते हैं बंदे, पत्थर मार रहे हो, कुछ कर रहे हैं, सिर्फ वो यार पूरे दिन तरसते हैं खाने के लिए यार। भाई जिस बंदे ने काम किया, अगर वो वीडियो देख रहा तो भाई 2 मिनट रुक जाता, उसको देख ले, तेरा कुछ जाता नहीं यार। अगर वो इंसान का बच्चा होता ना तो तेरे का भूत बना देते बंदे मार मार कर। सो प्लीज़ यार, अगर तू वीडियो देख रहा है तो भाई प्लीज़ आगे से अगर कोई इंसिडेंट होना तो रुक जाइयो, देख लियो उसको, कम से कम उसको मरने के लिए मत छोड़ियो ऐसे। अब और कुछ बंदे होंगे नेगेटिविटी, वो तो हमेशा होने हैं। तो भाई बता दूँ, हमने 3-4 जगह बात कर ली थी जहाँ पे पेड होता है, बट उन्होंने कहा था आप शाम को 5-6 बजे ले आओ। सो इस बीच में हम घर नहीं आए अपने, अभी 2 से 3 या 3:30 तक हमने ये बात की है, हम बात करते रहे, सो दैट यार अच्छी जगह उसका ट्रीटमेंट जो है प्रॉपर एक इलाज हो जाए, वरना अगर नहीं होता तो फिर हम उसको पे करके हम उसका इलाज करवाते। जो भी वहाँ बंदे खड़े थे वो एग्री हो गए थे मेरे साथ में। तो गाइज आइए एक बार यार वीडियो देख लो जो मेरे फ्रेंड शुभम जिन्होंने पोस्ट की थी। थैंक यू शुभम यार, मैं अगेन थैंक यू बोलना चाहूँगा ब्रदर। अगर तुम वो वीडियो पोस्ट नहीं करते तो उस बंदे आज वो डॉग मर गया होता और फिर हम पछताते बाद में कि हमने ये नहीं किया वो नहीं किया। सो गाइज देखो, यही होता है सोशल मीडिया यार, उस बंदे ने एटलीस्ट पोस्ट कर दिया, उसके पोस्ट से जो भी देखा वो बंदा पहुंच गया। सो गाइस आओ एक बार आप वीडियो देख लो आगे।
दोखता है यार, वो देख रहे हो आप अंदर उसको ले जा रहे हैं। अभी जो आपने वीडियो देखा उसका सेम एज इट इज़ ये फाउंडेशन है जिन्होंने ऑन द स्पॉट यार रेस्क्यू किया भाई ने, थैंक यू सो मच फॉर देम। अभी ये इनका पूरा ट्रीटमेंट करेंगे देन ये रिटर्न कर देंगे इनको वापस। एक बार मैं दिखाई तो इसका नंबर भी आप देख लो, अगर आपको कभी चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू सो मच भैया, ये भैया इसका पूरा डिटेल ले रहे हैं यहाँ पे। और ये जो भैया आप देख रहे हैं सामने, ये घर के पास ही रहते हैं, इन्होंने पूरा उनका कार्यवाही की है। भैया लगे पड़े, थैंक यू भैया के लिए भी। देख लिया आपने वीडियो, काफ़ी बंदे इमोशनल भी हो गए वीडियो देखकर। सो वैसे तो मेरा कोई रिलेशन है नहीं इस टॉपिक के, मेरा चैनल नहीं है, बट यार मेरा मन नहीं मान रहा था क्योंकि मुझे इतना गुस्सा, लिटरली मैं इतना गुस्सा आ रहा था और इतना मेरा मन कर रहा था रोने का कि यार बस देखा नहीं जा रहा था उस कुत्ते को, ना वो कुछ खा रहा ना वो पी रहा था, बस वो आराम से लेटा हुआ था और इतनी होप से वो देख रहा था कि कुत्ता कि यार कोई आए कोई रुके कोई देखे, हर एक नियर बाय जो उसे पास कर रहा था हर बंदे को देख रहा था। सो गाइज प्लीज़ यार कम से कम इंसानियत तो रखो यार, मैं ये नहीं कह रहा तो खाने को तो मत दो पर कम से कम उनको मारो मत, एक इंसानियत रखो। और भाई खासकर जिस बंदे ने काम किया, अगेन कर रहा हूँ वीडियो देख रहा, भाई थोड़ा इंसानियत ला अपने दिल में यार, ऐसे मत भागा करो, कोई तुम्हें मार नहीं रहा है बट तुमने सोचा कुत्ता है जानवर है छोड़ना, इंसान का बच्चा थोड़ी ना जो मुझे रुकना पड़ता देखना पड़ता ट्रीटमेंट कराना पड़ता। सो गाइस आगे भी मैं पोस्ट कर दूंगा वीडियो जब उसका ट्रीटमेंट होकर जाएगा, तो भैया से मैंने नंबर ले लिया है, उन्होंने पूरी डिटेल भी ले गई है, जो फाउंडेशन ले गए हैं वो उसको ट्रीटमेंट करके ला के दोबारा यहीं छोड़ के आएंगे। सो जो बंदे इस वीडियो को देख के इमोशनल हो गए होंगे तो मैं बता दूं कि उसका ट्रीटमेंट डॉग का सही सलामत हो जाएगा और उसको जब उसको छोड़ने आएंगे वापस लेकर आएंगे उसका ट्रीटमेंट करके, तो मैं वीडियो भी पोस्ट करूँगा सेकेंड। सो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, फाउंडेशन का नंबर मैं नीचे भी दे रहा हूँ, सो आप प्लीज़ ये नंबर नोट कर लो, ये रियल फाउंडेशन है यार, औरों का तो मैं कह नहीं सकता, सब फ्रॉड है यार ऐसे, या पैसे कमाने के लिए भरे पड़े, मैं किसका नाम नहीं ले रहा इसलिए क्योंकि मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहता ना मुझे इन चीज़ों से मतलब है। सो मैं नंबर दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, भाई सब अपने फ़ोन में सेव कर लो, कोई भी एनिमल दिखे आप हेल्प नहीं कर सकते मत करो कोई बात नहीं, कम से कम फ़ोन घुमा के उनको डिटेल बता दो, फोटो खींच के भेज दो व्हाट्सएप पे कि भैया ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है आप आके ले जाओ उनको। सो गाइस आज के लिए वीडियो में इतना ही, कीप वॉचिंग कीप सपोर्टिंग सो राइडर।